सो डियर स्टूडेंट्स, आज पॉलीनोमियल्स का लेक्चर 6 आएगा। तो हमने अभी तक जितनी भी आइडेंटिटीज की है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, मुझे पता है कि आप सब ने अच्छे से मेहनत की है और ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक, तो क्वेश्चन तो आप आंसर सुन के भेज रहे हो, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे सोए हुए हैं। अगर वो आज नहीं जागेंगे, कब जागेंगे? फिर क्या फायदा हमारी मेहनत का? ठीक, फिर हम ये काम ही नहीं करते हैं, आपके लिए कर रहे हैं। आप अपना टाइम नहीं निकालोगे, फिर क्या फायदा इस सब का? तो अभी जितने भी स्टूडेंट जो सोए हुए हैं, उनको जागना है, और जाग के पहले ये लेक्चर्स उनको देखने हैं, उसके बाद नोट मेकिंग अच्छे से करनी है। तो हमने कुछ आइडेंटिटी जिसमें डिस्कस किए थे अभी तक। पहली आइडेंटिटी जो थी ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर था, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली थी, फिर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो चार का पैकेट सा लगाया था। उसके बाद हमने फिर तीन आइडेंटिटीज पढ़ी कल, कौन कौन याद है ना सबको? बोलो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वो हमने देखा किसके बराबर। उसके बाद याद है ना, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो ऑन बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिटीज, लेट अस सी द क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज। सो डिस्कस करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5। अब जो बहुत देखने वाले हैं बोलेंगे, सर एक्सरसाइज 2.5 है क्यों? क्योंकि ये जो फाउंडेशन चल रहा है, ये फाउंडेशन अलग है। मैंने अभी भी आपको बोला कि जो फाउंडेशन है ये शाहीन बैच में जाएगा, और जो प्री फाउंडेशन वाले हैं और वो जाएंगे रूमी बैच में। मतलब जिनका बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है, एक एक करके सारे चैप्टर आ जाएंगे उनके लिए। और ये जो ये वाला है फाउंडेशन में, शाहीन बैच में, आईआईटी जेडब्ल्यूई से क्वेश्चन उठाएंगे, जहां जहां उठा पाएंगे। जैसे हम पॉलीनोमियल्स पढ़ रहे हैं, देखेंगे हायर कॉन्सेप्ट्स इसमें क्या हो सकता है और क्वेश्चन को अटैक कैसे करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। थोड़ा 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 करके बड़ा हो जाएगा, है ना, थोड़ी थोड़ी चेंज लाके एक बड़ी चेंज आ जाती है। तो इसके बाद जो है एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। क्वेश्चन 1 जो है, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको निकालना है पहला एक्स प्लस 4 और निकालना है आपको एक्स प्लस 10। बताओ आएगा सबको कि नहीं आएगा? एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? याद है ना? हाँ सर, याद आ गया। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आइडेंटिटी होगी। किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है? ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। सो लेट अस यूज इट। तो किसके बराबर आएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस ए क्या है? तो दिस इज एक्स प्लस ए एंड दिस इज एक्स प्लस बी। सो व्हाट इज ए? सो ए इज 4 एंड व्हाट इज बी? बी इज 10। सो दिस इज 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आएगा 4 इंटू 10 आएगा। सो विच आइडेंटिटी वी हैव यूज्ड इन दिस क्वेश्चन? सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ये जो आपने पढ़ी है, वो चार पैकेट्स का हमने जो दिया था उसमें से लास्ट वाली आइडेंटिटी थी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके बराबर? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 कितना हुआ? 14। एक्स प्लस 4 10 आर 40 हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा पार्ट हो रहे हैं? ये आपको सारे के सारे आ जाएंगे। अब मुझे आप ये करके दोगे, है ना, ये आप सबके लिए एक होम असाइनमेंट रहेगा। देखो कौन सा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये तो सारे आसान ही है, बस जब आप अच्छे से पढ़ोगे तब सारी चीजें आपको आसान दिखेगी। तो दिस इज एक्स प्लस 8 टाइम्स एक्स माइनस 10। आप बोलोगे आप सर ये तो हमने नहीं पढ़ा, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? फिर से यही आइडेंटिटी यूज होगी। आपको मैंने ऐसे सारे क्वेश्चंस कराए हैं, जितनी भी वैरायटी क्वेश्चंस की बन सकती थी सब हमने डिस्कस किए हैं। आप बोलो किए डिस्कस के नहीं किए, तो ये एक्स प्लस 8 टाइम्स एक्स माइनस 10 इसको कैसे लिखो? थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूं। एक्स प्लस 8 टाइम्स क्या लिखोगे? एक्स ये प्लस माइनस 10 कर दो। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, तो इसके बाद क्या आएगा? अब तो आपके हाथ में खेल है, ये एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी
अब यही फार्मूला यही आइडेंटिटी आप फिर से एक बार यूज कर लो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आएगा ए प्लस बी, वो प्लस की जगह है वो है माइनस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी, ए क्या है 8 और बी क्या है माइनस 10, तो क्या आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आप देखो यहाँ पे बच्चे कभी गलत करते हैं, ये देखो बेटा प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 8 माइनस 10 बोलो कितना हुआ, 8 माइनस 10 होता है माइनस 2, तो ये आएगा माइनस 2x है कि नहीं। उसके बाद क्या आएगा बोलो, 8 10s are 80 और प्लस माइनस माइनस 80 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, तो अब मैं आपके लिए एक होम असाइनमेंट दे रहा हूं, आपको सबको करना है, कमेंट्स में आप भेजोगे और मैसेज करके आप इसका आंसर एट लेंथ डिस्कशन करोगे, और कल हम मिलने वाले हैं ऑफलाइन क्लास में, आप सबको पता ही है संडे है कल, तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह, आप सब तैयार रहो कल मिलने के लिए। तो देखना ये पार्ट आप खुद करना, इसका थर्ड पार्ट है, तो 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको देख के डर जाएंगे, किस बात से डर, ये तो कुछ है ही नहीं, फिर से आएगा ना इससे 3x प्लस 4 आया, उसके बाद आएगा 3x प्लस माइनस 5 आएगा, फिर लगा दो यही फार्मूला यही आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। अब आपका x क्या है ना, यूर x इज 3x, योर x इज एंड हियर देखो x तो है 3x एंड a इज 4 b इज माइनस 5। तो मुझे पता है कि आप ये सब करोगे और कमेंट्स में आप भेजोगे इस पार्ट को सॉल्व करके, अगर कोई नहीं करता उसको मैं नहीं छोड़ूंगा कल संडे के दिन जब हम मिलेंगे, है ना, उसको मैं मारूंगा कल, इसलिए बचो, है ना, तो सब अच्छे से करो। तो उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैसा क्वेश्चन हो सकता है आपकी टेक्स्ट का एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग, क्वेश्चन 2 देखो बेटा, इवेलुएट द फॉलोइंग विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, आपको मल्टीपल नहीं करना बस सॉल्व करना, क्या करना 103 आपका इसका प्रोडक्ट करना है 107 के साथ, बोलो आसान है कि नहीं है। अब ऐसा नहीं करना कैलकुलेटर हाथ में उठाया 103 इंटू 107 सर ये तो बच्चों का सवाल है, अरे ऐसे नहीं करना आपको 105 इंटू 107, तो फिर कैसे करना है सर, आपको इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट पहले करना है, सबसे पहले आपको देखना है सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज होगी, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, है ना, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपको ये करना है, वरना ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है आपसे पूछा जाए और क्लास 9th के बच्चे को ऐसा क्वेश्चन पूछना, अरे शर्म करो, है ना, कुछ शर्म करो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए ये ना दूसरे तरीके से चाहता है कि आप इसको करो, तभी तो क्वेश्चन बना है, ठीक, आपको हल्के में ले रहा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। अब देखो ये 103 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते 100 प्लस 3 फॉर्म में, 100 प्लस 3 सेम एज 103, इसको कैसे लिख सकते हैं, हाँ सर अब समझ आ रहा है, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब सर खेल मेरे हाथ में है, ये मानो x, ये मानो a, तो इज इट ऑफ द फॉर्म x प्लस a इंटू x प्लस b, हाँ सर अब तो समझ आ रहा है, अब क्या यूज होगा सर, फिर से यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी, और आप इस आइडेंटिटी का भरपूर फायदा उठा के इसको एक्सपेंड करोगे तो किसके बराबर आएगा, ये आएगा x स्क्वायर, अब वो x क्या है, x है 100, तो 100 का स्क्वायर आएगा प्लस, उसके बाद क्या आएगा a प्लस b, बोलो बेटा a क्या है, a है 3 प्लस बी क्या है बेटा, बी है 7, तो 3 प्लस 7 इंटू एक्स, और वो एक्स क्या है, एक्स है 100, ये ऐसे है ना एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, सो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अभी भी जो नहीं जागा है फिर कब जागेगा, तो जाग जाओ, सो 3 प्लस 7 इंटू एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा 100, उसके बाद प्लस क्या आएगा, ए इंटू बी, बताओ ए क्या है, ए इज 3 एंड व्हाट इज बी, बी इज 7। अरे बहुत आसान क्वेश्चन नहीं करने थे डिस्कस, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो बोलते हैं सर एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर लो, तो आज का लेक्चर एक्सरसाइज के नाम, अदरवाइज नहीं करना था,
हमें जो टारगेट है हम उसमें पहुंचेंगे। हमें फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है JEE के लिए। सो 100 का स्क्वायर कितनी बार? दो बार। जीरो तो कितनी कॉपीज आएगी? दो कॉपीज आएगी, ऐसे एक कॉपी दो कॉपी है ना, तो ये ऐसे बनेगा। प्लस ये 3+7 कितना हुआ? 10 हुआ। 3+7 10 हुआ। 10 × 100 तो 3 0 आएंगे, 1000 आएगा। प्लस देखना कितना आसान हुआ विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आपने कोई कैलकुलेटर का यूज नहीं किया, बस ये फार्मूला आपके पास होनी चाहिए है ना। x+a × x+b आपके पास होना चाहिए। और ये +3 7000 कितना बनेगा? 21 बनेगा। बोलो कितना आसान है। अब तो ये बच्चों का खेल है। आपके पास 10,000 है, उसके बाद 1,000 कितना हुआ? 11,000 और फिर आपके पास 21 रुपीज, तो टोटल कितने रुपीज आपके पास? 11,000 इतना ही है ना। ये देखो 10,000 ही है ना, +1,000 कितना हुआ? 11,000 और +21, सो 11,021 यू हैव। सो दिस इनटू दिस 103 × 107 किसके बराबर आया? 11021 के बराबर। ये था क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, मैं देखूंगा आप कैसे करोगे इसको है ना। दोनों एक साथ करते हैं, ठीक है ना, एक साथ दोनों करते हैं। अब सारा काम तो मुझे नहीं करना है, आप किस लिए बैठे हो? काम बांट के करते हैं। आप भी आधा करो, मैं भी आधा करता हूँ, ठीक। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ आप भी मेरी हेल्प करो। बता बेटा ये जो दूसरा पार्ट है कैसे करोगे इसको? 95 को मल्टीपल करना है 96 से। सर कैलकुलेटर का यूज करे तो फिर क्या फायदा ये क्वेश्चन पूछने का? कैलकुलेटर का यूज नहीं करना। तो कैसे करेंगे सर? नहीं आ रहा है सर, थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अब जो बच्चे कर रहे हैं उनको पता है क्या करना है? क्या करना है बोलो? 100 में दोनों को कन्वर्ट करे। अभी 100 से ज्यादा 100 से कम, सर दोनों कम है तो क्या करेंगे? 100 − 5 कर देंगे। अच्छा 100 − 5 सर, अब तो ये वाला आएगा कैसे? 100 − 4 कर देंगे। अब सर लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्या करना है इसके बाद? यहाँ तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो लेकिन यहाँ तो माइनस आ रहा है, क्या करना है? हाँ तो मैंने आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो ये आएगा 100 प्लस फिर आएगा −5 और यहाँ पे आएगा 100 फिर आएगा +−5। अब बोलो नहीं, यहाँ पे आएगा −4। अब बोलो x+a, अब आपका a क्या है? −5 है। और आपका b क्या है? b है −4। अब तो यूज करो इस आइडेंटिटी का और आपका आंसर आ जाएगा। आप मत बोलना सर अब नहीं आएगा। अरे फिर क्या कर रहे हो है ना, थोड़ी सी मेहनत करो, देख लो कैसे करना है। अब अगर नहीं आ रहा है ऐसे भी तो सोचो रिफाउंडेशन आपके लिए आ रहा है जिसमें आप बेसिक से चीजें सीखोगे। तब तक आप करते जाओ इस पे प्रैक्टिस। और एक क्वेश्चन पूछा, देखना आप मिक्सड रहेगा, अपना मिक्सड रहेगा। अब एक 100 से ऊपर रहेगा और एक 100 से नीचे रहेगा, कैसे? 104 एक ही बात थी, कुछ भी इंटू करना है आपको 96 के साथ, इंटू करना है 96 के साथ। सर क्या करे, एक ज्यादा है एक कम है, इसको ऐसे लिखो ना 100 और मैंने भी 100 पहना है ना। ये जो 100 आप देख रहे हो ये भी मैंने 100 पहना है, मुझे पता था क्वेश्चन में 100 आएगा। तो 100 + 4 और क्या लिखेंगे? लिखेंगे 100 − 4। अरे सही है ना। ना दो तरीके रहेंगे इसको करने के, एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो x+a x+b। सर प्लस कैसे? ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 + −4 लिख सकते हैं। सर ठीक है, दूसरा तरीका a + b × a − b किसके बराबर? a² − b² यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड। तीसरी आइडेंटिटी आप देखो ना, जो फर्स्ट पैकेट आपके पास है उसकी तीसरी आइडेंटिटी देखो। तो यहाँ पे 100 + 4 और यहाँ पे 100 − 4 इंटू, तो दिस इज x + y × x − y। आर यू कैन से दिस इज a + b और a − b किस बराबर, किसके बराबर होता है? a² and what's over a 100 है ना, द 100 जो हमारे पास अभी है। सो 100 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा? माइनस आएगा 4 का स्क्वायर। कितना आएगा बेटा? 4 का स्क्वायर। अब जिस बच्चे को नहीं पता 100 का स्क्वायर क्या आएगा है ना, अभी आप जाके कहीं है ना चिल्लू भर पानी में डूब जाओ। क्यों? क्योंकि जिसको ये नहीं पता तो सीखो ना, तो सीखो
अगर आप नहीं सीखते इस टाइम तो कैसे सीखोगे? मैंने बोला आपको 100 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 100 का स्क्वायर कैसे करेंगे, ये दो जीरोस है तो स्क्वायर है तो दो बार आएंगे, अगर क्यूब होता तो तीन बार दो दो आते, है ना, मैंने आपको बोला हुआ है। तो ये आएगा 10,000 माइनस आएगा 4 4 16 माइनस आएगा 16 और इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आएगा 9,000 फिर 984 ऐसे ही आएगा, एक बार देख लेना सही है ठीक। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तो ये दो क्वेश्चन आपके मैंने यहीं पे डिस्कस किए, हालांकि आपको खुद करने थे। चले मैं आपको एक टास्क देता हूँ छोटा सा, इसको करना आप, ये होम असाइनमेंट रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो क्या है, आप ऐसा कर दो, है ना, 105 का मल्टीपल आप 95 के साथ करना और मुझे इसका आंसर बोलना दोनों तरीकों से, अगर दो तरीके हैं तो दोनों तरीकों से इसका आंसर करो ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, देखा क्वेश्चन कैसे है, आसान है ना, आपको हल्के में ले रहा है। और ये एक्सरसाइज जो है ना, बच्चे इससे ज्यादा डरते, पता नहीं क्यों डरते हैं, आप बोलना ये लेक्चर देखने के बाद आप कितना डर रहे हो। अब आपको करना क्या है, फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज आपको करनी है ये फॉलोइंग आइडेंटिटीज। सो फैक्टराइज द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका पहला पार्ट, फैक्टराइज मतलब ब्रेक करना, जैसे आप 10 को ब्रेक करते हो कैसे, 2 into 5, तो 10 को कैसे ब्रेक करते हैं, 2 into 5। इसी तरह आप 12 को ब्रेक कर सकते हो, इसी तरह मतलब फैक्टराइज करना, ब्रेक करना, वो ब्रेक करने का पर्पस भी अलग रहता है, ऐसे नहीं सर कैसे भी करके ब्रेक करें ना, वो उसूल के हिसाब से ब्रेक होता है, उसमें भी एक उसूल लगता है, वो हम सीखते जाएंगे। तो उसके बाद जो है ये है, आपको फैक्टराइज करना है 9x² + 6xy और प्लस y², है ना। देखो पसीना तो बहुत आ रहा है, आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप पता नहीं क्या कर रहे हो अपने लिए, है ना। तो दैट मीन्स ये जो 9x² + 6xy + y² सर मुझे ये ना सुना सुना लगता है, जिसको सुना सुना लगता है, ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि उसने बाकी बचे लेक्चर्स नहीं देखे, आप जिसको सुना सुना लगता है उसने पूरे लेक्चर्स को देखा है। सर ये कुछ ऐसा नहीं a² + 2ab + b² टाइप, सर उसी में कन्वर्ट इसको करना है, जरा इसको पकड़ो, मैंने आपको कल भी ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, और इसको पकड़ो, इसको दोनों को पकड़ो, पकड़ा इसको, जब इसको पकड़ा किसी का परफेक्ट स्क्वायर लगता है, 9 किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो सर ये 3x का स्क्वायर बनेगा। आना फिलहाल इतना देखो मैं जो आपको बोल रहा हूँ, अच्छा ये किसका स्क्वायर आ रहा है, ये तो y का ही स्क्वायर है, मतलब आप एक काम करो, एक काम करते हैं, ये जो 3x है ना इसको a मानते हैं, क्या मानते हैं, और इसको b मानते हैं, अब तो a स्क्वायर है b स्क्वायर है, बीच में क्या आना चाहिए, 2ab। अरे बेटा सोचो सोचो मैं बोल क्या रहा हूं, सोचो मैं बोल क्या रहा हूं, है ना, जैद नजीर समझ आ रहा है आपको, आपको रोज रोज है ना कंफ्यूजन होते थे, डाउट होते थे, अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन जहां पे आपको लगता है, और भी बहुत स्टूडेंट्स है ना, नाम तो सबके याद है, बीच बीच में बोला करेंगे सारे के सारे, जितने भी गर्ल्स हैं सारे के सारे, तो जितने भी सारे गर्ल्स हैं वो तो आंसर भेजते हैं, वो कुछ बजिया तो रात रात भर में ना 1 बजे भी सेंड कर दे, और सुबह सवेरे सवेरे बहुत अच्छा लगता है वो देख के, जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर बोलते हैं सर ठीक है ठीक है ठीक है, सर मुझे ये वाला समझ नहीं आया, सर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, सर इसमें ऐसे ही करना था, मतलब वो अच्छा फील आता है कि आप भी मेहनत करते हो। इसी तरह वो जो मतलब कुछ लड़के हैं ना अभी सोए हैं, यहाँ कुछ गर्ल जो है सोए हैं, वो जाग जाओ, है ना, जाग जाओ, क्योंकि आपके बगल में बैठे, साइड में बैठे जो भी आपके फ्रेंड्स है मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो, आप अपना सोचो। तो ये स्क्वायर प्लस 2ab + b², हाँ सर ये a तो 3x आ गया, और ये b क्या है, y, तो बीच में आएगा 2ab। तो चलिए अगर हम ऐसे लिखे 2 यहाँ पे, a क्या लिखेंगे, a लिखेंगे इसमें क्या बताओ, a क्या है 3x आना चाहिए, और b क्या लिखेंगे, b y आना चाहिए, आप सोचो। तो देखो ये मैंने आपको बोला किसी का स्क्वायर है, हाँ सर 3x का है, तो 3x का होल स्क्वायर रखा, ये बोला किसका है, तो y का बोला, y का स्क्वायर, इस 3x को नाम मैंने रखा, मानो a है, ये क्या है a, तो क्या ये a का स्क्वायर है,
अगर ये है तो ये ए स्क्वायर है, और इस वाई को अगर बी माना तो ये बी स्क्वायर है, तो बीच में आना चाहिए टू ए बी। तो टू ए, ए क्या माना है थ्री एक्स और बी क्या माना वाई। तो देखो टू थ्री जार सिक्स, तो सिक्स एक्स वाई आया। सो दैट मीन्स इसको आपने ऐसे लिखा, तो दैट मीन्स वी कैन राइट दिस एज दिस। अब मैं इसको अच्छे से लिखूंगा, ये मैं आपको समझा रहा था। तो मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे टू इंटू थ्री एक्स इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सोचो, आराम से सोचो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, देखो किस किस का स्क्वायर है, वही और बी है, बस इतना ही है, सिंपल सा ना थंब रूल, बेसिक सा रूल है। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, देखो किन का स्क्वायर है, एक इसको ए मानो, इसको बी, तो बीच का ए टू ए बी खुद आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, बताओ अभी किसका स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा थ्री एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सोचो बेटा, क्योंकि पहले आएगा इसका स्क्वायर, फिर आएगा टू वाई ए बी वो आ गया, फिर आएगा बी स्क्वायर वो आ गया। सो अब इसको ये 3x plus y कितनी बार है, दो बार, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3x plus y into 3x plus y। अरे नहीं आया, अगर आपको याद हो मैंने आपको पढ़ाया ये कौन से डिग्री का था, क्वाड्रेटिक था, डिग्री टू थी, याद है ना। तो कैसे ब्रेक हुआ, लीनियर में ब्रेक हुआ, दो लीनियर में, हाँ अब वहां वेरिएबल एक होता था, यहाँ दो है। अगर आपको याद हो हम x में खेलते थे, यहाँ x और y है, so that means इसको आपने फैक्टराइज ऐसे करना है। तो सर फैक्टराइज जब भी आएगा वो आइडेंटिटीज को याद करना है, आइडेंटिटीज ज्यादातर आइडेंटिटी यही वाली यूज होगी, ज्यादातर आइडेंटिटी ये वाली यूज होगी, और ये वाली आइडेंटिटी भी यूज हो सकती है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये थे, अब हम इसमें से एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, आपको बोलना है आएगा नहीं आएगा, इसका भी मुझे आंसर भेजना जैसे आप भेजते हो। अब कुछ लोग हैं जो अभी बिल्कुल सोए हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, तो इसमें से आपको ये वाला क्वेश्चन करके देना है, फोर वाई स्क्वायर, ये इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन थ्री का, फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस वन। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखा सर कुछ फील आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला, तो देखना हो गया ये वाला भी, मैंने तो बोल दिया, अब आप देखो खुद कैसे करना है। उसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट है वो क्या है, तीसरा पार्ट इसका, द थर्ड पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। तो ये तीसरा पार्ट है, तो ये तो हो गया, कैसे हो गया सर, ये x तो x का स्क्वायर है ही, माइनस ये किसका स्क्वायर सर, ये y by 10 का स्क्वायर, y by 10 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, y by 10 का स्क्वायर। अच्छा ये x स्क्वायर आया, y by 10 का स्क्वायर, y का स्क्वायर अलग होगा, 10 का स्क्वायर अलग होगा, 10 का स्क्वायर 100। तो अब बोलो ये कौन सी फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगी, जो मैं अभी आपको बोल रहा था किसका ज्यादा यूज होगा, है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, या ऐसे मानो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, याद है ना सबको। तो इसको कैसे करेंगे, ये आएगा ए क्या है, यहाँ पे ए है एक्स, ए माइनस बी, बी क्या है वाई बाई टेन, वाई बाई टेन इंटू ए प्लस बी, ए क्या है एक्स है प्लस बी क्या है वाई बाई टेन, सो बी इज वाई बाई टेन। तो ये आपका और एक क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे ही कल देखेंगे बाकी क्वेश्चन, कल के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर से करेंगे कल, उनको देखेंगे कैसे करेंगे, लेकिन बहुत आसान है क्वेश्चन फोर, हम अभी भी कर सकते हैं। ये क्या है x प्लस टू वाई प्लस फोर जड़ का होल स्क्वायर, ये तो हमने ऑलरेडी किया है x प्लस, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं अभी इसी क्वेश्चन में, इसको भी डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन फोर बी टू बी कंटिन्यूड रहेगा अभी, ये बहुत आसान है, आपको क्या करना है क्वेश्चन फोर में देखना बेटा, एक पार्ट तो दिखा ही रहा हूं मैं। अच्छा x प्लस टू वाई प्लस फोर जड़ का स्क्वायर, x प्लस टू वाई प्लस फोर जड़ का स्क्वायर, ये जो है ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, चलो कोई नहीं इसको कल करते हैं, ठीक है इसको कल करते हैं,
इस वाले पार्ट को, तो इसका मतलब ये जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है इसको हम कल करेंगे, क्योंकि इसके लिए फिर से फार्मूला अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन कल आप सारे तैयार रहो क्योंकि कल सारे आ रहे हैं, कल मिलेंगे, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो कल सारे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। और मुझे याद है हम वो लगातार एनालाइज कर रहे हैं कि किसने ज्यादा आंसर दिए है, वो भी हम कल बोलेंगे किसने ज्यादा आंसर भेजे थे। अब अगर नहीं भेजे किसी ने, वो आज एक काम कर सकता है, वो आज बैठेगा, जितने भी क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन से अभी तक, तो वो सब के सब लिख सकता है और हमें भेज सकता है। उसके बाद इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे संडे ऑफलाइन के दिन, तब तक अल्लाह हाफिज़।